Audio Jungle. हम इस समय मौजूद हैं सोनिया विहार में। यह दूसरे पुस्तक की मार्केट है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सामने जो यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, ये कोई स्वास्थ्य कर्मी नहीं है, बल्कि ये यहाँ के समाज से भी अनिरुद्ध सिंह हैं, जिन्होंने बीड़ा उठाया है कि वो अपने इलाके को पूरी तरह से सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि खुद अपने प्रयास से स्वयं अपनी टीम के साथ यहाँ खुद ये सैनिटाइज कर रहे हैं। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पूरी बड़ी मार्केट है, जो कि सोनिया विहार दूसरे पुस्तक की मार्केट बताई जाती है। यह सोनिया विहार दूसरे पुस्तक की मार्केट है, जिसमें पूरा यह सर्कुलर रोड है, जिस पर कि ये खुद अपने हाथों से सैनिटाइज कर रहे हैं। ये जज्बा इन्होंने आज ही नहीं, बल्कि ये जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उसके कुछ ही दिनों बाद इन्होंने ये बीड़ा उठा लिया था, और जिस तरह से इन्होंने ये जज्बा इनके अंदर दिखाई दिया, और ये तस्वीरों आप देख भी सकते हैं कि मार्केट ही नहीं बल्कि जो यहाँ पर मकान हैं उन मकानों को भी बाहर से सैनिटाइज किया जा रहा है। तो आप जिस तरह से हमारे पीछे आप तस्वीरों में जिस युवक को देख रहे हैं, वो युवक जो यहाँ पर इनका खुद का एक स्टूडियो है, और इन्होंने बीड़ा उठाया है कि यहाँ पर अपने पूरी मार्केट को खुद सैनिटाइज करने का, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि कोरोना के संक्रमण बढ़ता जा रहा है और लोग भी इसमें बाहर ना आए, इसके लिए भी यहाँ पर इन्होंने सुझाव दे रहे हैं लोगों को, बता रहे हैं लोगों को। आइए इनसे बात करते हैं, जिस तरह से इनका जज्बा है और जो इन्होंने बीड़ा उठाया है वो क्या इसमें मन में सोच के। अनुज जी, बात करने से देखा जाता है काफ़ी दिनों से आप इस मुहिम को चला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई ये हमारी नहीं, सबकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अगर कोई नहीं करेगा तो हम तो करेंगे। हमारे मार्केट के प्रधान श्री सुनील कुमार जी और हमारी ग्रीन RWA, उसमें अनिल सिंह मैं और मेरे छोटे भाई प्रवीण मुदगल हैं, सोनू हैं और राज हैं, इमरान सेफी हैं, अमित गुप्ता जी हैं, पंकज शर्मा जी हैं, रवि यादव जी हैं और पूरी टीम है, रवि गुप्ता जी भी हैं, पूरी टीम है। हम पूरा सही और पूरी टीम हम एक दूसरे को सहयोग कर रही है और दिन रात हम लगे हुए हैं। हम अपने बीमारी का डर नहीं है, लेकिन हमें हमारी कॉलोनी में कोई बीमार ना हो, और सबसे बड़ी बात है हमारी कॉलोनी में अब तक कोई बीमार नहीं हुआ है और कोई भी कोरोना से क्वारंटाइज नहीं है। जिस तरह देखा जाता है कि निगम भी इसमें सैनिटाइज कर रहा है, निगम की कैसी गतिविधियां हैं आपके इलाके में? भाई निगम का हमारा कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले हमने यहाँ शुरुआत करी थी, उसके बाद निगम जागा है। आपके आगे आने के बाद निगम हरकत में आया? हमारे करने दो दिन बाद निगम एक्टिव है, और ऐसी कोई बात नहीं, हमें कोई दवाई नहीं मिल रही है, हमें कोई मशीन नहीं मिल रही, सब अपना प्रोवाइड करा हमने, अपने लोगों ने खरीदा है। हमारा ग्रीन RWA हमारी मार्केट एसोसिएशन के प्रधान जी सुनील जी वो लेके आए हैं, केमिकल्स हम लोगों ने मिलके खरीदा है। ये ख़त्म नहीं होती, यहाँ पर एक और मुहिम इन्होंने साथ साथ चलाई है, क्योंकि थर्मल स्कैनिंग, क्योंकि हो सकता है कि जब ये सैनिटाइज करने जा रहे हैं कोई कोरोना संक्रमित या कोई लोग इन्हें टकरा जाए, तो उससे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ ये खुद इसमें यहाँ पर खुद स्कैनिंग मशीन ले रखी है, थर्मल स्कैनिंग खुद कर रहे हैं, खुद ये जांच कर रहे हैं। वाकई ये बहुत बड़ी बात है, और सबसे बड़ी बात यहाँ जो देखने को मिली वो ये है कि सैनिटाइज करना अलग बात है, लेकिन सैनिटाइज के लिए मशीन खरीदना और उसके लिए दवाइयाँ इकट्ठी करना, ये सबसे बड़ी बात है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि खुद सैनिटाइज मशीन लेके आए हैं, उसकी दवा प्रतिदिन रोज़ाना लेके आते हैं, रोज़ाना उस दवा को तैयार करते हैं, और ये मशीन भी जो थर्मल स्कैनिंग आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये मशीन भी खुद ये यहाँ पर अपने ही पैसों से खरीद कर लाए हैं। हमारे साथ इस मार्केट के प्रधान हैं, आइए बात करते हैं कि किस तरह का उनको लगा। प्रधान जी, बात कर इस तरह देखा जाता है कि ये पहली बार देखने को मिलता है कि जब एक समाज सेवी और स्वयं का एक संगठन लोग आगे आए हैं कोरोना को मात देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पब्लिक की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारी मार्केट काफ़ी बड़ी है सोनिया विहार दूसरे पुस्ते पे, और MCD का भी कोई इतना खास रोल नहीं रहा है। अनिरुद्ध जी ने पहले इस काम को सबसे पहले बीड़ा उठाया था, उसके बाद फिर एक बार ही केवल MCD ने काम कराया है। अब जैसे तीसरा लॉकडाउन बन गया है, समाप्त हुआ है, चौथा जो लॉकडाउन शुरू हुआ है, उससे आने से पहले हमने सोचा कि एक मार्केट शायद खुलने की कुछ संभावना है, हो सकता है कि शायद आज हमारे केजरीवाल मुख्यमंत्री जी क्या
मतलब गाइडलाइन दे उसके अनुसार। तो आज हमने पूरी मार्केट को अपना सैनिटाइज करा दिया है। यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग भी आप साथ साथ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसके लिए? कर रहे हैं, जैसे हमारे साथ अनिल पाल है, परवीन है, राजू गुप्ता है, पंकज है, और काफ़ी लोग साथ में मिलकर इस काम पर काम कर रहे हैं। मशीन भी हमने खुद अपनी परचेज की है, केमिकल भी लिया है, बाकी MCD वगैरह का हमें कोई सपोर्ट नहीं है कि भाई मार्केट या सब कुछ सपोर्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है हम सब अपने तक सब कर रहे हैं सब लोग। तो जिस तरह से लगा कि लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है और लोगों को उम्मीद है, ये मार्केट सबसे बड़ी मार्केट बताई जा रही है इस इलाके की, तो इनको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये आगाज़ दिल्ली के मुख्यमंत्री ना कर दें कि मार्केट में कुछ हिस्सा खुल सकता है, तो इसलिए इन्होंने खुद स्वयं के परिश्रम से खुद सैनिटाइज पूरी मार्केट को किया है, थर्मल स्कैनिंग की है। वाकई बहुत बड़ी बात है ये कि खुद के पैसे से खुद इस कोरोना को मात देने के लिए ये जो टीम सामने आई है। वाकई तेज निगाह चैनल भी आपसे अपील करता है कि इस तरह यदि सब लोग सामने आ जाएंगे तो हो सकता है कि कोरोना आपका कुछ न बिगाड़ पाए। कैमरामैन प्रिंस के साथ योगेश सोलंकी, तेज निगाह दिल्ली।